हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब जानवर तबाही मचा रहा है क्योंकि परसों ठीक है नॉन हॉलीडे था, ओपन हुई मूवी और अच्छा खासा कलेक्शन हमें तब भी देखने को मिला था। देन कल सैटरडे भाई वीकेंड ऑफ रहता है, जबरदस्त कलेक्शन आया है सेकंड डे में। एंड आज संडे जो फाइनल राउंड, जो सेमी फिनाले ग्रांड राउंड जो हम कहते हैं कभी कभार, भाई आज वो देखने को मिल रहा है क्योंकि आज तबाही चल रही है। संडे में जो एडवांस बुकिंग आज लगी है हाथ एनिमल मूवी के, फार एंड ब्लॉकबस्टर कलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी सभी चीज़ों पर बात करेंगे। कल कैसा क्या रहा है सिनेरियो, कल ऑक्यूपेंसी, कल हिंदी से, नेट इंडिया से, मतलब हर जगह से कितनी कमाई करते नजर आई थी मूवी, ओपनिंग कैसी रही, देन आज संडे के क्या रुझान है क्योंकि संडे में बहुत लोगों की नज़र है। भाई आज फुल हॉलीडे है और संडे पे ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सेट करे गए हैं इस साल। लाइक जवान आई थी 71 करोड़, सिर्फ सिंगल लैंग्वेज हिंदी से ठोंक के मारा था। तो भाई इस चीज़ के लिए लोग वेट कर रहे हैं, सिंगल डे में ह्यूज कलेक्शन किस मूवी के नाम जाता है। अभी जवान और पठान नंबर वन एंड सेकंड नंबर पर बैठी पड़ी है, जहां पठान सेकंड पे है 68 करोड़ हिंदी सिंगल लैंग्वेज सिंगल डे पे। एक्सपेक्टेशन इस मूवी से क्यों करा जा रहा है क्योंकि ये ए सर्टिफिकेट मूवी है, जब फैमिली कॉन्टेंट बिल्कुल नहीं है, एडल्ट है, फुल वायलेंट मूवी है, बावजूद इसके बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी सभी चीज़ों पर बात करेंगे कैसा क्या होने वाला है सिनेरियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ऐसे ओपनिंग सॉलिड रही, डे वन पर इसकी कमाई रही है सिर्फ हिंदी से 54 करोड़ 75 लाख, नेट इंडिया से 63 करोड़ 80 लाख, पूरी दुनिया से 116 करोड़। भाई बात करें डे टू की, कल कैसा क्या सिनेरियो रहा है, तो ऑक्यूपेंसी बहुत सॉलिड, हिंदी एंड तेलुगु लैंग्वेज से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रही है इन दोनों लैंग्वेज में। अराउंड 65-70% की फुल डे ऑक्यूपेंसी रही है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट के शोज को मिलाकर। तो कल लगभग कितना कलेक्शन आ रहा है उससे पहले देखेंगे कि भाई ये एडवांस में कितना हाथ लगा था कल को, 29 करोड़ के आसपास सिर्फ एडवांस से कलेक्शन किया था। देन नेशनल चेंज पीवीआर आईएनएक्स एंड सिनेपोलिस को मिलाकर इस मूवी ने लगभग कल कमाया है 27 करोड़ 55 लाख। अब चलते हैं हिंदी और तेलुगु से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्पॉन्स मिला है, जिसमें हिंदी सिंगल लैंग्वेज से ये मूवी सिर्फ 57 करोड़ कमाते नजर आ रही, 57 या 58 करोड़ के आसपास। देन नेट इंडिया ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज हिंदी को छोड़कर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, आईमैक्स, इसको मिलाकर लगभग नेट इंडिया से ये मूवी कमाते नजर आ रही है अराउंड 68 करोड़। हो सकता है 70 करोड़ भी टच कर जाए क्योंकि फ्लेक्सिबल है, रिपोर्ट अभी फ्लेक्सिबल है, दिस इज द अर्ली एस्टिमेट्स। एंड लगभग ग्रॉस कलेक्शन आता दिख रहा है 81 करोड़, ओवरसीज से कल एंड ऑफ द डे तक 44-45 करोड़ टच करते नजर आ रही है, और पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 125-124 करोड़ इजी टच कर रही है। तो अर्ली एस्टिमेट है ये, अभी फ्लेक्सिबल है रिपोर्ट, जब ये अब ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी कल पूरे डे की तो उसमें अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो अभी बात करते हैं पहले दो दिन में हिंदी से कितना कलेक्शन आ चुका है, ऑलमोस्ट 112 करोड़, नेट इंडिया से ऑलमोस्ट 132 करोड़ हो चुका है कल एंड ऑफ द डे तक, पहले दो दिन का, पूरी दुनिया से पहले दो दिन में 241 करोड़ ये मूवी टच कर चुकी है। तो भाई साहब 241 करोड़ सिर्फ दो ही दिन में, भाई आजकल बॉलीवुड वालों को जाने क्या हो गया, इस साल भाई फाड़ रहे हैं क्योंकि जवान पठान से हाईएस्ट ग्रॉसर, फास्टेस्ट ग्रॉसर है ये मूवी, गदर 2 फास्टेस्ट ग्रॉसर थी, उसके बाद एनिमल फास्टेस्ट ग्रॉसर, दो ही दिन में 241 करोड़ 200 करोड़ कवर करना, भाई ये तबाही देखने को मिल रही है। मतलब बॉलीवुड हिंदी मूवी को, बहुत सी मूवीज का लाइफ टाइम कलेक्शन होता है, लाइक सर्कस मूवी जो 100 करोड़ भी नहीं कमा पाई है, उसके बाद हमें किसी का भाई किसी की जान 120-125 करोड़ में ही ढह गई थी ये मूवी, भोला जो शायद लाइफ टाइम कलेक्शन 241-250 करोड़ के आसपास था, दृश्यम 2 का आई थिंक 250 करोड़ के आसपास था, लेकिन एनिमल ने ए सर्टिफिकेटेड मूवी होने के बावजूद, एडल्ट कॉन्टेंट होने के बावजूद ये मूवी 241 करोड़ या 200 करोड़ सिर्फ दो ही दिन में टच कर रही है। देन आज संडे है, संडे में तो ये मूवी फाड़ ही फाड़ रही है भाई साहब, एडवांस बुकिंग में जो हाल देखने को मिल रहा है आज संडे में, मतलब ह्यूज कलेक्शन आने वाली है। तो आज ये बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं जो अभी नंबर 1, 2, 3 पर बैठी पड़ी है, गदर 2, पठान, जवान, भाई सिंगल लैंग्वेज हिंदी से बहुत जबरदस्त कलेक्शन आने वाला है। तो आज सिर्फ एडवांस से ये मूवी 35 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन ले चुकी है, जिसमें सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से 32 करोड़ आते दिख रहे हैं और तेलुगु लैंग्वेज से 2 करोड़ 45 लाख, रेस्ट ऑफ द
कन्नड़ा, मलयालम एंड तमिल से आते दिख रहे हैं। इन सारी अदर लैंग्वेज से लगभग 1 करोड़ का एडवांस बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो इस मुद्दे की बात पर आते कि नेट इंडियन कलेक्शन आज कितना हो जाएगा, क्या हो सकता है भाई साहब? इजी टू इजी 74 से 75 करोड़ सिर्फ नेट इंडिया से कलेक्शन करते नजर आ रही है, जिसमें सिर्फ हिंदी से 64 से 65 करोड़ या फिर 63 करोड़ ये मूवी सिर्फ हिंदी से कलेक्शन करते नजर आ रही है। तो भाई आज तो तबाही देखने को मिल रही, ऊपर से ओवरसीज से कितना आ सकता है, ओवरसीज से आज भी 44 से 45 करोड़ नजर आ रहा है। तो आज पूरी दुनिया से मूवी कितना कलेक्शन करते नजर आ रही है भाई साहब? इजी टू इजी 135 से 140 करोड़ ये मूवी अपने खाते में रखते नजर आ रही है। संडे का फुल फायदा उठा रही है, जिसमें मिनिमम 135 करोड़ तो इसके खाते में आ ही जाएगा। तो भाई देखते हैं ये मूवी कितना कलेक्शन आज करती है। अर्ली एस्टिमेट यही है, बाकी ऑफिशियल रिपोर्ट जब आएगी उसके ऊपर फिर वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन आप लोगों के हिसाब से ये मूवी क्या आज पठान, टाइगर 3, गदर 2 जो हिंदी में सिंगल लैंग्वेज में पठान 68 करोड़ लेके बैठी है, टाइगर 3 58 करोड़ एंड गदर 2 55 करोड़, जवान 71 करोड़, क्या इन रिकॉर्ड को बीट डाउन कर देगी सिंगल लैंग्वेज हिंदी से कलेक्शन के मामले में? टाइगर 3 और गदर 2 को शायद बीट डाउन कर देगी, ईजिली बीट डाउन कर देगी। पठान 68 करोड़ हिंदी से लेके बैठी है ये मूवी, क्या इसको बीट डाउन करेगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। दूसरा, लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहने वाला है, क्या 1000 करोड़ टच करेगी या नहीं करेगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में, जय।